पहले दिवाली पिक से ही शुरुआत कीजिए। हमारे व्यूअर्स को आप कौन सी खास दो स्टॉक्स रेकमेंडेशन बता रहे हैं जो इस दिवाली से अगले दिवाली तक रखें? तो प्रियंका, पहला पिक है आरबीएल बैंक। देखिए, आरबीएल बैंक हैज नाउ टर्न अराउंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली। इनफैक्ट लास्ट वीक में मुंबई में उनके मैनेजमेंट के साथ था प्रेजेंटेशन पे, और उन्होंने बताया कि शायद आपको पता नहीं, असाइड फ्रॉम आर बैंक ब्रांचेस आर एन आर इन हाउस एनबीएफसी हैज गॉट 8,800 ब्रांचेस हैं। और वो जो आपका एमएसएमई टू टीयर पे जो लोन डिसबर्सल्स है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट दे हैव एवर सीन इन द लास्ट 3 इयर्स। मुझे आरबीएल एज ए डिस्क्लोजर, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है कहीं नीचे भाव से, लेकिन मुझे लगता है आरबीएल इज वन मिड कैप बैंक जो री रेट होएगा ऑन द बैक ऑफ अर्निंग्स, ऑन द बैक के इसमें कोई ओनरशिप नहीं है। आपने पढ़ा ही है, एमएनएम हैज पिक्ड अप अ 4% स्टेक, इट विल बिकम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, और सम ऑफ पार्ट्स में इस जैसा मिड कैप बैंक मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 350 का भाव अगली दिवाली तक इसमें आया ही आया। बैंक पे तो आप बहुत समय से इनफैक्ट बुलिश है, और इस स्टॉक ने एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स अदर बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाई भी है। संजीव जी, दूसरी एक रेकमेंडेशन कौन सी होगी? प्रियंका जी, दूसरा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड हैज अ 53% मार्केट शेयर इन द बस मार्केट, इट्स द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, और आप देख ही सकते हैं जब आप इंडिगो ट्रैवल करते हो सारी नीली बसेस अशोक लीलैंड की हैं। उनका पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल में दे आर गेनिंग मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और जो उनका इंटरमीडिएट कॉम्पोजिट कमर्शियल व्हीकल है दोस्त, वो और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। सम ऑफ पार्ट्स अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। मुझे कोई दो राय नहीं कि इसका भाव 225 जाएगा, और ये एक पेडिग्री स्टॉक है जो ब्लू स्टॉक ब्लू चिप है, और जिस तरह से हिंदुजा अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इन द बैंक एंड अशोक लीलैंड इज देयर फ्रंट रनिंग कंपनी, उनका जो टाई अप है और साथ में जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड आप देख रहे हो एंड द न्यू मॉडल्स विच दे हैव, ये एक परफेक्ट ऑटो स्टॉक है टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। 225 का भाव कम से कम आपको दिखना चाहिए अगली दिवाली तक।